अनदर डे, हम सब ने कल स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद में कोई व्लॉग नहीं किया। हम स्ट्रेट आके यहाँ पे रुके होटल कृष्णा ऑन द वे टू जलगांव। रात में काफी स्पूकी सा एटमॉस्फेयर हो गया था इस वाले रीजन में, इसलिए हमको डर लगने लगा। हमने सोचा जहाँ पे जो मिलता है वो हम ले लेते हैं। बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके पिछले वाले रोड पे, क्योंकि हर जगह पे बहुत ही ज्यादा गंदे मतलब आप समझ लो वैसे वाले होटल थे सारे के सारे। और हमको हम फैमिली थे तो हम चाह रहे थे कि हम सेफ एंड साउंड जगह पे रहे, तो सब ने रिकमेंड किया कि यही एक होटल है जो आपको यहाँ से 200 किलोमीटर के अंदर फैमिली वाला मिलेगा। आज मैं व्लॉग करूँ अपने GoPro से जस्ट टू एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इस पे व्लॉगिंग कैसे लगती है, क्या ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है या नहीं। आई नो ये अपने सोनी A7S3 के बराबरी की क्वालिटी नहीं देगा, बट फिर भी अगर मैं चाहूँ कभी कि लाइटर सेटअप से व्लॉगिंग करूँ तो क्या मैं इससे कर पाता हूँ या नहीं, ये देखने के लिए मैंने आज इसको निकाला है। और वैसे भी आज का हमारा पूरी ट्रिप का लास्ट डे है। लास्ट डे पता है ना आपको, ट्रिप का लास्ट डे कैसा रहता है, बोरिंग सा होता है, तो इसलिए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बैक टू पवेलियन नागपुर। फैमिली ट्रिप का लास्ट डे है आज का। ये वाली राइड, ये वाली ट्रिप बहुत बोरिंग होती है, बट हम कोशिश करेंगे इसको हैपनिंग बनाने की। और क्योंकि हमारा आज का व्लॉगिंग सेटअप लाइट है तो वीडियो ज्यादा हेवी रहेगा। इधर ही जाना है। हाँ बोल प्रिया। अगर हुआ पॉसिबल तो आज हम गौरी को रास्ते में खड़ा करके गाना गाने को भी लगाएंगे। वो हमारा स्पीकर वैसे ही आया पिक्चर और वैसे ही जा रहा है। तो गाइज ये रहा हमारा एक्सप्रेसवे। इस रोड की हालत की वजह से कल हमने व्लॉग नहीं किया था। एज यू कैन सी हम कंटिन्यू ट्रक के पीछे, ऑटोज के पीछे, रोड के साइड में गड्ढों में चल रहे हैं। कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम बस बता रहे कि हमको 300-400 किलोमीटर करने के लिए दो दो दिन क्यों लगता है। ये जब ये बन जाएगा तो शायद हम कुछ अपेक्षा रख सकते हैं, बट शायद ही हम दोबारा इधर आए। मतलब इंडिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, मुझे तो लगता है कि मेरा ट्रैवलिंग करने का एज खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे रोड अच्छे रहेंगे, फिर लोग बोलेंगे वो तो बहुत ईजी है, अभी जाएंगे कल जाएंगे। और इससे मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। कल हमारे मिरर को एक ट्रैवल्स ने बहुत ही मस्त चुम्मा लेके कट करके आगे जाने की कोशिश की थी, सब की फट गई थी मेरी, इंक्लूडिंग मी आल्सो। वी आर इन जलगांव फॉर द फर्स्ट टाइम। आप तो आए होंगे ना बाय रोड, कभी रुके नहीं बाय रोड। अरे वेट रे प्रिया, वेट, तेरे तरफ कैमरा किया ना मैंने, जरा सा रुको, जरा सबर करो। हम बचपन में आए थे हमारी मम्मी के साथ जेवने को आए थे हम, जेवने को। और हम यहाँ से लीड पेंसिल लेके गए थे, मम्मी के फ्रेंड्स रहती थी यहाँ पे, उनके साथ में आए थे। और हमको लीड पेंसिल लेके दी थी, वो पहली पेंसिल थी लीड पेंसिल हम दोनों की भी लाइफ की। और हम उसी में इतना खुश थे जैसे कि हमको क्या मिल गया। उसको इरेजर भी था लीड पेंसिल के डॉक्टर को नीचे से निकाल के वो व्हाइट वाला। हाँ 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 हाँ। और ये जो लैपटॉप दिख रहा है ये सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए कि मैं ऑन द गो काम करती हूँ, ऐसा। इसके लिए इसने सिर्फ ओपन किया और फिर मुझे बोला कि अब तुम ब्लॉक करो वरना आपको समझ ना। ऑन द वे अचानक से हम रुक गए, किस लिए? वैसे तो मेरे पास में अपना बेड टेबल है जहाँ पे मैं एडिटिंग के टाइम पे उस टेबल को यूज करता हूँ, बट इस रोड पे ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हमको रास्ते पे दिख रहे थे। मैंने प्रिया को बोला यार मुझे एक लेना है, क्योंकि इसमें है कप होल्डर और यहाँ पे आप पेन वेन या आईपैड वगैरह लगा सकते हो। तो मैंने प्रिया को बोला मुझे एक चाहिए, तो अभी हम ये खरीद रहे। ये वाला ले लिया अपन ने, इसमें मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगा पिंक कलर, और जो अपने पास में घर पे है ना उस पे अंकुश राव खड़े रह गए, गौरी को लात मार सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा था ये वाला एवेंजर वाला, बट आजकल मैंने अवॉइड किया है डार्क कलर की चीजें यूज करना अकॉर्डिंग टू प्रिया, घर की बातें सुनना पड़ता है। हार्दिक पांडे दिख रहे, आजा आजा इधर आजा। ये बाल कैसे क्या हो गया ऐसे आगे के, ये वाले बाल ध्यान तुम जाते नहीं। अश्लील बातें की जा रही है गाइस, जिसको मुझे कट करना पड़ेगा। इनका बोलना है स्टैचू दूरी समझती नहीं है। नहीं मैं ये शारीरिक दूरी ना रखे एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि अरे मलन मोल रहा था। हाँ चल दे चल दे चल दे, ये देखिए शारीरिक दूरी बनाए रखी है इन्होंने। नहीं पर मैं इतना फ्री नहीं हो गया कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे डाल दूं। ये क्लिप हमारे लिए रखेंगे हम सिर्फ,
आगे फ्यूचर में हमको काम में आएगी ना, जब इनकी क्रिकेट टीम हो जाएगी तो मैं बोलूंगा भैया नीड थी इसलिए तुम आए हो। ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुसियास्ट। ओह माय गॉड, बॉलीवुड में जैसे रणवीर सिंह ओवर एनर्जाइज्ड। अरे यार भाई साहब, ऐसा बैरियर देखा है क्या कभी लाइफ में? भाई उसने गाड़ी लगा दी, एक आधा आके ठोक पीट के चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद में हम आपको मिल रहे हैं नांदूरा से, थोड़ा सा आगे। नांदूरा में एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है जो मैंने 2008 में आई गेस इस रोड से बस से ट्रैवल किया था, तब देखा था। मैं भूल गया था फोटो निकालने के चक्कर में वीडियो बनाने का, तो आई विल शो यू हियर। अभी हम जा रहे हैं अंकुश जी के होम टाउन में जो की है तो अभी हम हैं खामगांव विठल नगर रोड की तरफ। ये है अंकुश जी के बचपन का मतलब घर है, इनकी बचपन की यादें हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैं खामगांव में आया हूँ और उसके बाद में फर्स्ट टाइम अंकुश के घर पे आया हूँ। अभी हम थोड़ी फैमिली बातें करते फिर आपसे मिलते हैं। तो ये रहा होटल अन्नपूर्णा, यहाँ पे हमने हमारा आज का लंच किया। लंच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अच्छा था मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी बहुत ज़्यादा था, हम सबको पसंद आया। गौरी की इच्छा थी कि यहाँ पे और आधा घंटा रुका जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय कम है तो हमको जाना पड़ेगा, तो हम निकल रहे हैं अभी। और ड्राइविंग सीट का भार अभी हम उठा रहे हैं, तो आपसे बीच बीच में वार्तालाप करते रहेंगे। धन्यवाद। ये मेरी साइड से।